नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अंबती रायडू के रिटायरमेंट के बारे में, साथ ही बात करेंगे कि वे किस एक बात से नाराज है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो अंबती रायडू इंडिया के जाने माने मिडिल ऑर्डर क्रिकेट प्लेयर है और उन्होंने इंडिया के लिए 55 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें 47.05 की औसत से 1694 रन बनाए हैं। इसी के साथ उन्होंने इंडिया के लिए 6 इंटरनेशनल T20 भी खेले हैं और आज 3 जुलाई को उन्होंने BCCI को मेल के जरिए बताया कि वे संन्यास ले रहे हैं। दरअसल रायडू वर्ल्ड कप की टीम के सिलेक्शन के टाइम पर काफ़ी चर्चा में रहे, क्योंकि BCCI ने पहले उन्हें दिलासा दिया कि वे वर्ल्ड कप की 2019 की टीम में खेलेंगे और इस वजह से उन्होंने अपना पूरा फोकस उस पर लगा दिया और डोमेस्टिक क्रिकेट भी बंद कर दिया। उसके बाद जब टीम सिलेक्शन की बात आई तो उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया और विजय शंकर को यह कहकर सेलेक्ट कर लिया गया कि वे 3-डायमेंशनल प्लेयर है और उन्हें स्टैंड बाय के रूप में सेलेक्ट किया गया। वहीं जब शिखर धवन इंजर्ड हुए तो ऋषभ पंत को बुलाया गया और उन्हें कुछ नहीं कहा गया, और जब बाद में विजय शंकर इंजर्ड हुए तो भी उन्हें नहीं बुलाया गया और उनकी जगह पर मयंक अग्रवाल को बुलाया गया। संन्यास तो उन्होंने जरूर लिया है, लेकिन इस बात का उन्हें हमेशा दुख रहेगा। तो ऐसे में सही बात है, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का दुख तो जरूर होना ही है और उन्होंने 33 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि वो अभी अगले साल IPL जरूर खेलेंगे, क्योंकि इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन है। तो मेरे हिसाब से उनके साथ बुरा हुआ है कि स्टैंड बाय के रूप में सेलेक्ट होने के बाद भी उन्हें नहीं बुलाया गया। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें। चलिए, जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।